मेडिकल साइंस में कभी कभी ऐसा चमत्कार होता है जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही चमत्कार कर दिखाया है धर्मशिला देवी हॉस्पिटल ने, जहां न्यूरोसर्जन डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल एक युवक की जान बचाई है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। नवादा के नारदीगंज निवासी अनुज कुमार सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए थे। दुर्घटना में घायल मरीज को उसके परिजन धर्मशिला देवी हॉस्पिटल लेकर आए। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए न्यूरोसर्जन डॉक्टर ब्रजेश कुमार और उनकी टीम ने तुरंत उपचार शुरू कर दिया। सीटी स्कैन से पता चला कि मरीज के मस्तिष्क के भीतर गंभीर चोट लगी है, जिसके बाद डॉक्टर ब्रजेश ने तुरंत सर्जरी का निर्णय लिया। सर्जरी के दौरान पता चला कि ब्रेन का प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है, जिससे मरीज की जान को खतरा हो सकता है, जिसके बाद न्यूरोसर्जन डॉक्टर ब्रजेश ने आश्चर्यचकित करने वाला निर्णय लेते हुए मस्तिष्क के चोटिल वाले हिस्से की हड्डी को हटाया ताकि ब्रेन के प्रेशर को संतुलित किया जा सके। डॉक्टर ब्रजेश ने सर से हटाए गए हड्डी को मरीज के पेट के अंदर रखा ताकि हड्डी में इन्फेक्शन ना हो। जब मरीज की हालत में सुधार हुआ तब दोबारा सर्जरी कर मरीज के पेट के अंदर रखी हड्डी निकाल कर सर के उसी हिस्से में सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया। डॉक्टरों के प्रयास से अब मरीज बिल्कुल स्वस्थ है। बेसिकली ये अनुज कुमार जो पेशेंट हैं, ये एक केस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का था। पेशेंट मेरे पास बेहोशी की हालत में लगभग एक डेढ़ महीना पहले यहाँ आया था। उस समय मैंने सीटी स्कैन इसका करवाया, उसमें देखा गया ब्रेन हेमरेज है। मोर स्पेसिफाई करें तो इसको एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा था और पेशेंट बेहोश की स्थिति में थे। तो तुरंत हम लोग इसको वेंटिलेटर पर रखे, सीटी स्कैन होने के बाद वेंटिलेटर पर आईसीयू में रखा गया ताकि ब्रेन का आईसीपी कम किया जाए। उसके बाद तुरंत ही मरीज को पेशेंट पार्टी से कंसेंट लेने के बाद इसको हम लोग ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर किए। ऑपरेशन ये बहुत जटिल होता है, इसमें ब्रेन के पार्ट को रिलैक्स करने के लिए जो सिर की हड्डी होती है उसको निकाल के हम लोग हटा देते हैं वहाँ से, ताकि ब्रेन रिलैक्स रहे और फर्दर डैमेज ब्रेन का सेल का नहीं हो। तो उस समय किया गया ऑपरेशन, इसकी हड्डी काट के, सर की हड्डी को काट के पेट में रखा जाता है। फिर पेशेंट आईसीयू में रहा, वहाँ मैनेज किया गया मेरी टीम के द्वारा, डॉक्टर ज्योति हैं जिन्होंने क्रिटिकल केयर टीम में पेशेंट को मैनेज किया और धीरे धीरे पेशेंट इम्प्रूव हुआ। पेशेंट फिर चलने खाने लायक हो गया तो इसको हम लोग डिस्चार्ज कर दिए, घर में गया। एक महीने बाद फिर पेशेंट की स्थिति ठीक हुई, फिर से सीटी स्कैन करवाया गया और फिर से प्लान किया गया रीडू सर्जरी करके कि जो बोन को हम लोग अब्डोमेन में रखे थे वहाँ से निकाल के फिर से सर पे लगाया गया। आज दूसरी सर्जरी हुई है, उसके बाद पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है, चल फिर रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। चूंकि बहुत जल्दी सर्जरी हो गई इसलिए पेशेंट का न्यूरोडेफिसिट थोड़ा सा भी नहीं है, पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है, चल फिर रहा है, खाना पीना खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। यहाँ लोकल एरिया में इनफैक्ट आसपास के 150 किलोमीटर्स पटना गया कुछ सिटीज को छोड़ दे तो ऐसी फैसिलिटी तो नहीं मिलेगी। 24/7 एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल है, क्रिटिकल केयर प्रॉपर टीम में है, प्रॉपर स्टाफ है, मेडिकल ऑफिसर्स है, जो कि बहुत बेहतर से बेहतर मतलब पेशेंट को कैसे आउट करना है, कितना भी सेप्सिस हो, पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन, पेन, हर चीज़ों को बहुत बारीकी से मैनेज किया जाता है। पूरे दक्षिण बिहार में धर्मशिला देवी हॉस्पिटल ही एक ऐसा अस्पताल है जहां जटिल ऑपरेशन के लिए सारे आधुनिक उपकरण, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम और कुशल नर्सिंग स्टाफ के साथ सारी सुविधा मौजूद है। अस्पताल के चेयरमैन अविनाश कुमार ने जटिल सर्जरी कर मरीज की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स और पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि आगे भी अस्पताल इस तरह की सेवा प्रदान करते रहेगा। वहीं मरीज के परिजन भी न्यूरोसर्जन डॉक्टर ब्रजेश कुमार और उनकी टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि धर्मशिला देवी अस्पताल के डॉक्टर्स उसके लिए भगवान से कम नहीं है, जिन्होंने मेरे बेटे को एक नई जिंदगी दी है। नारदीगंज प्रखंड में ही हुआ एक्सीडेंट। कैसे हुआ था वो? तो ऐसा तो लड़का बोलता है कि ट्रैक्टर वाला ही ठोक दिया था। हाँ। लड़के को सर में मार लगी थी। हाँ। तो उस टाइम हमारे परिवार ने यहाँ सिविल सदर अस्पताल से रेफर करने के बाद हम राय दिए कि आप वहीं पे प्राइवेट में ही दिखाइए। तो इस नाम धर्मशिला देवी हॉस्पिटल का नाम हमारा भतीजा बताया तो हम बोले कि ठीक है उस पर एडमिट करो। हम मुंबई में थे, हम आए दो दिन के बाद पहुँचे। अभी हमारा ब्रजेश सर, डॉक्टर ब्रजेश सर हैं, वही इलाज किए हैं। हमारा मरीज सही सलामत है, कल हमारा मरीज को छुट्टी
धर्मशीला देवी हॉस्पिटल में सारे आधुनिक उपकरण मौजूद हैं, जिसकी वजह से अब मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आयुष्मान सेवा उपलब्ध होने के कारण अब मरीज अच्छे इलाज का भी लाभ उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।